हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं आज आप लोगों के लिए भिंडी बहुत ही यूनिक तरीके से बनाना बताऊंगी। भिंडी तो आपने बहुत दफ़े खाई होगी, लेकिन क्या करते हैं जब हम बनाते हैं ना, हमारे घर के बच्चे जो होते हैं वो बहुत ड्रामे करते हैं भिंडी खाने में। आज मैं ऐसा तरीका बताऊंगी, बच्चे बड़े सब मांग मांग कर खाएंगे। एक बार बनाओगे तो बार बार बनाने की जिद करेंगे। मैंने ली है ये आधा किलो भिंडी। इसको मैंने अच्छे से धो करके, फिर ये टोकरी है देख सकते हैं आप, इस टोकरी में रख दिया है ताकि इसका पानी निकल सके। अब हम इनको इस तरह से काटेंगे। ये देखिए, इसका ये पिछला वाला भाग इस तरह से काट देंगे और ये काट देंगे। जो छोटी भिंडी है हमारी, इसको हम इस तरह चीरा लगाते हुए अलग रखते हुए जाएंगे दूसरे बर्तन में। और जो हमारी बड़ी भिंडी है उसको भी हम इसी तरह से कट करेंगे और इसमें से हम दो पीस कर देंगे। ये देखिए, इस तरह से हम दूसरे बर्तन में इसको निकालते हुए जाएंगे। इसी तरह से हम पूरी भिंडियों को काट लेंगे। ये देखिए, मैंने सारी भिंडियों को इस तरह से कट कर लिया है। जो बड़ी थी उसको इस तरह दो टुकड़ों में कट कर लिया है, और जो छोटी थी और मीडियम साइज़ की थी उनको इस तरह से कट कर लिया है। मैंने इसमें चेक कर लिया, किसी में कोई कीड़ा तो नहीं है। अब हम क्या करेंगे, हम लेंगे 1/4 हल्दी, इसको इस पे इस तरह से छिड़क देंगे, और आधा चम्मच मिर्च लेंगे और आधा चम्मच हम नमक लेंगे। ये देखिए, और अब इन सबको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। आप चाहे तो चम्मच की मदद से भी कर सकते हैं और चाहे तो इस तरह हाथ से भी कर सकते हैं। इसको मिक्स करने के बाद हम 10 से 15 मिनट के लिए ढककर रख देंगे। ये देखिए, सारी भिंडियों पर हल्दी नमक और मिर्च अच्छे से लग चुकी हैं। अब इनको हम साइड में रख देंगे। ये देखिए, हमारी भिंडी को रखे हुए 15 मिनट हो गई है। अब हम क्या करेंगे, अब हम एक कढ़ाई लेंगे और गैस को चालू करेंगे। अगर कढ़ाई के अंदर पानी है तो हम उसको ड्राई कर लेंगे, अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लेंगे तेल, तेल हम लगभग 3 बड़े चम्मच लेंगे। तेल को अच्छे से गर्म करेंगे। तेल हमारा गर्म हो चुका है, इसमें से धुआं निकल रहा है। अब हम लेंगे भिंडी जो हमने पहले से नमक मिर्च हल्दी लगाकर रखी हुई है, उसको हम इसमें डालेंगे। सारी भिंडियों को हम इस तरह थोड़ी थोड़ी कटते हुए डालेंगे। अगर एक साथ हम इन सारी भिंडियों को डाल देंगे तो छींट आएंगी, जिससे जलने का डर रहेगा, इसलिए हम थोड़ी थोड़ी करते हुए इन सारी भिंडियों को डाल देंगे इसमें। और इनको अच्छे से मिक्स करते हुए, इस तरह से उलटते पलटते हुए इनको अच्छे से मिक्स कर देंगे। इसी तरह से हम इसको चलाएंगे जब तक ये पूरी तरह से तेल में नहीं हो जाती हैं। हम इसको इसी तरह से चलाते रहेंगे। ये देखिए, अभी पूरी तरह से तेल इनके ऊपर लग चुका है। अब हम इन्हें एक ढक्कन लेंगे कोई भी, और उससे हम इसको ढक देंगे। ढकने के बाद हम इसको स्लो गैस पर पकाएंगे 10 से 15 मिनट के लिए। जब तक हमारी भिंडी गल रही है, हम इसकी ग्रेवी की तैयारी कर लेते हैं। उसके लिए मैंने लिए हैं ये, हमने लिए 3 प्याज, 2 टमाटर और 2 लहसुन की ये कलियां। ये हमारा बहुत मोटा वाला लहसुन है, तो ये 2 काफी रहेंगी इसमें। ये लिए, अब सूखे मसाले में हम लेंगे
डेढ़ चम्मच धनिया, ये देखिए डेढ़ चम्मच धनिया लेंगे। मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग लेना, मेरी सवा चम्मच काफ़ी रहेगी। और एक चम्मच, सॉरी हमने भिंडियों में भी नमक डाला था तो हम यहाँ पे आधा चम्मच नमक लेंगे। और ये लेंगे हम एक चौथाई चम्मच हल्दी, ये मेरी बहुत छोटी सी चम्मच है। और हम लेंगे एक चौथाई चम्मच गरम मसाला, ये मैंने पिसवा रखा है। ये हमारे सूखे मसाले हो गए। अब हम क्या करेंगे, हम प्याज को इसमें जो हमारे ये था इसी में ही हम डस्ट कर देंगे, इसकी सारी छील करके। हम इन प्याजों को छील लेंगे और फिर मैं काट के दिखाती हूँ। छील प्याज को मैंने छील करके वॉश कर लिया है। अब हम इसको इस तरह से कटेंगे, हमने पीछे वाला पार्ट नहीं हटाया है, इसको हम इस तरह से पार्ट कर देंगे, इसको पतले पतले स्लाइसिस में हम कट करेंगे। ये मैंने इसलिए नहीं हटाया, अगर मैं इसको हटा देती तो ये बिखर जाता है इस तरह काटने से, तो काटने में फिर परेशानी होती है। इस तरह से हम इसको काटेंगे छोटे छोटे पीसीज में। सारे प्याज हम इसी तरह से कट कर लेंगे। ये देखिए बड़ी आसानी से कट गई है। अब इस डंठल को हम फेंक देंगे। इसी तरह से हम सारे प्याजों को काट लेंगे। ये मैंने टमाटर लिया, टमाटर को वॉश कर लिया है। अब हम इसको इसी तरह से काटेंगे, हम टमाटर को थोड़े बड़े पीसीस में कट करेंगे इस तरह से, देख सकते हैं आप। आप पीस सकते हैं, मेरी मिक्सी खराब है इस वजह से मैं पीसने की बजाय इसको काट करके डाल रही हूँ, आप पीस करके डालना इसमें। इसी तरह से हम सारे टमाटरों को काट लेंगे। काट के मैं अभी आपको दिखा दूँ। ये देखिए मैंने प्याज को फाइनल चॉप कर लिया है, टमाटर को भी कट कर लिया, जो लहसुन था उसको मैंने पीस लिया है। अब हम देखेंगे हमारी भिंडियों का क्या हाल है। हम भिंडियों को खोल के देखेंगे, हमारी भिंडी गल चुकी है। ये देखिए हम किसी भी भिंडी को इस तरह से कट करके देखेंगे, ये देखिए एकदम गल चुकी है भिंडी। अब हम इन भिंडियों को निकाल लेंगे। गैस के फ्लेम को हाई करेंगे हम। ये तेल हमारा कम रह जाएगा तो हम थोड़ा तेल और डालेंगे इसमें। ये देखिए हमारा तेल गर्म हो चुका है। अब हम डाल देंगे इसमें जीरा, आधा चम्मच जीरा डाल दिया है हमने। जैसे ही हमारा जीरा भुनेगा, देखिए हम इसमें डाल देंगे प्याज, प्याज को हम चलाएंगे और गोल्डन ब्राउन होने तक हम इसको भुनेंगे। इस तरह चलाते हुए हम इसको भूनेंगे।
ये देखिए प्याज मेरी गोल्डन ब्राउन हो गई थी, तो उसके बाद मैंने इसमें टमाटर डाल लिए। टमाटर को भी मैंने गलने तक पका लिया है। अब हम इसमें डाल देंगे सूखे मसाले, इनको अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हम डालेंगे इसमें सीक्रेट इंग्रेडिएंट जो कि इसकी ग्रेवी को बहुत थिक और टेस्टी बनाएगा। ये देखिए एक बड़ा चम्मच मैंने ये बेसन लिया है, इसको इसमें डालेंगे और अच्छे से भूनेंगे। चलाते हुए इसको अच्छे से भूनेंगे, मिक्स करते हुए हम इसको भूनेंगे। और जैसे ही हमारे ये मिक्स हो जाता है, एक मिनट लगेगा, हम इसमें डाल देंगे लहसुन जो हमने पीस कर रखा हुआ था। इसको भी अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद हम पानी लेंगे थोड़ा, फिर इसको इसमें डाल देंगे। इसको मिक्स करेंगे। ये देखिए और इसको तेल छोड़ने तक हम भूनेंगे। इसको हम ढक देंगे, गैस का फ्लेम कम कर देंगे और तेल छोड़ने तक इसको भूनेंगे। करके मैं अभी देखिए, अब हम इसको खोल कर देखेंगे, हमारा मसाला बहुत अच्छे से भून चुका है। देखेंगे इसको, अब हम इसमें दही डालेंगे। ये देखिए मैंने 10 रुपए वाला पैकेट लिया है, इसमें से हम 4-5 चम्मच मतलब इसका आधा दही हम डाल देंगे। और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, गैस का फ्लेम थोड़ा हाई कर देंगे। इसको बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे, चलाते हुए हम पकाएंगे इसको। अगर हम इसको लगातार चलाएंगे नहीं तो ये फट जाएगा, जिससे हमारी ग्रेवी बिगड़ जाएगी। दही डलते ही हमारी ग्रेवी का कलर भी एकदम चेंज हो जाता है। इसको चलाते हुए लगभग हम 4 मिनट पकाएंगे। ये देखिए बहुत अच्छे से हमारा दही इसमें मिक्स हो चुका है। अब हम इसमें डाल देंगे जो हमने भिंडी फ्राई करके रखी हुई थी, उन भिंडियों को हम इसमें डाल देंगे। मिक्स करेंगे, थोड़ा सा हम पानी डालेंगे जिसमें हमने भिंडियां रखी हुई थी, उसमें नीचे तेल लगा हुआ है। देखिए हम ये पानी डाल देंगे इसको। अब हम इसको बिल्कुल तेल छोड़ने तक स्लो गैस पे पकाएंगे, पकाकर फिर मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ। मैंने गैस स्लो कर दिए, फिर मैं आपको दिखाती हूँ आगे। पूरी तरह से तेल ऊपर आ चुका है, गैस को हम बंद कर देंगे और इसको हम करेंगे डिस आउट। ये देखिए एकदम ही बहुत ही टेस्टी सब्जी बनकर तैयार है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मैं आप लोगों के लिए ऐसी नई नई डिशेज लेकर आती रहती हूँ। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।